सच में यार, यहाँ तो यादवों की रेपुटेशन बहुत ही खराब है। तुम तो बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे। तुमको पता है सृष्टि का पहला कवि यादव था? कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय सुनाए थे अर्जुन को, और फिर पूछा लड़ रहा है कि और सुनाऊं? तो अर्जुन मान उठाया, उसने कहा इससे लड़ के मरना ज्यादा ठीक है। ताली और ठहाका तो अगली बात पर चाहिए। दूसरे दिन भीम ने पूछा कि वो सुना रहे थे तो मुंडी हिला रहे थे, सब समझ में आ रही थी? अर्जुन ने कहा नहीं। तो बोले पूछा क्यों नहीं? बोले पूछता तो वो फिर से भी सुना सकते थे। मैं यादव भी हूँ और समझदार भी हूँ। मैं वो यादव नहीं हूँ जो लखनऊ और पटना में पाए जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव हूँ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। किसी माँ की सुरक्षा है तुझे, सुने बहाया रक्त ऐसे नौजवान की, उतारे हम आरती हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे, पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती, वो भूखा रह कर नंगे पांव जो चलाता हल देश के किसान की, उतारे हम आरती, और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती, वंदे मातरम गीत गाकर शहीद। विधायक जी आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने पहली बार ताली बजाई है। जो विधायक मेरे काव्य पाठ पर ताली बजाते हैं वो सब मंत्री बनते हैं। कोई मंत्री अगर ताली बजा दे तो वो अगले ही दिन भूतपूर्व हो जाता है। मास्क आपके मुंह पर लगाए, हाथ पर नहीं। जहाँ भी अच्छा लगे ताली देना, बुरा लगे गाली देना, ज़्यादा अच्छा लगे आपके हाथ खाली है पड़ोसी की पीठ खाली। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। कवि हूँ कबीर, कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। वो जन्म से ही पकड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है। चार पंक्तियां महनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में रख रहा हूं, और आपको लगे कि उस बड़े व्यक्ति को बड़े मन से श्रद्धांजलि देनी चाहिए, तो हमारे श्रद्धेय मिश्र जी की उपस्थिति में, हमारे डॉक्टर साहब के संयोजन में, और मेरा छोटा भाई नरेश, हमारा अभय निर्भीक, जिसने इतनी मेहनत से इस संयोजना को जुटाया है, मैं पूरे महोत्सव की चालियां अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में देखना चाहता हूं। कि पहली बार जागा स्वाभिमान मेरे देश का, तो जगाने को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बधाई है। पहली बार जागा स्वाभिमान मेरे देश का, तो जगाने को राष्ट्रीय स्वाभिमान की बधाई है। चारों ओर छाया घटा घोप अंधियारा राष्ट्र, चेतना की ज्योत को जलाने की बधाई है। वो शहीदों की आत्माएं स्वर्ग में तिखिल उठी, आपको पटेल वाली छवि पे बधाई है। वो भारत अटल था, अटल ही रहेगा सदा, अटल को अनुपम की अटल बधाई है। भारत अटल ही रहेगा सदा अटल को अणु बम की अटल बधाई है। तो लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। वो देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर, राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। आज एक पत्रकार ने हमसे होटल में पूछ लिया, बोले तुम भाजपा ही हो? मैंने कहा क्यों? बोले मोदी जी की बहुत तारीफ करते हो। मैंने कहा तारीफ के लायक आदमी है तो करते हैं। बोले इतने बड़े कवि हो तो यही बता दो कि मोदी जी और सोनिया गांधी में क्या अंतर है। मैंने कहा पत्रकार महोदय, आपकी आंखें अच्छी लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, एक आदमी है दूसरा औरत है। बोले ये तो अंतर हमको ही दिख रहा है, लेकिन तुम कवि हो, तुम बताओ कि दोनों में क्या अंतर है। मैंने एक अंतर बताया। स्वागत। मैंने कहा नरेंद्र मोदी दुनिया के जबरदस्त राजनेता हैं, और आदरणीय जबरदस्ती।
जैसे आपको कम मजा आया ऐसे उसको भी कम ही आनंद आया। तो मैंने मिश्रा जी फिर दूसरा पाना लगाया, बोले यार ये कोई अंतर है का, ढंग का अंतर बताओ। मैंने कहा ढंग का सुन ले। बोलेगा क्या अंतर है? मैंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी में एक ही अंतर है, श्रीमती सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी में केवल एक ही अंतर है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए अपनी शादी छोड़ दी और आदरणीय ने शादी के लिए अपना देश छोड़ दिया। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। चौथी पंक्ति पर एक एक श्रोता की तालियां चाहता हूं, अच्छा लगे तो फिर मैं आपका साथ चाहता हूं, सुनिएगा। कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा, चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा, और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा, और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। लेकिन काफी मेरी खिंचाई ये डॉक्टर अनिल चौबे कर चुके हैं। ये 24 कैरेट के ओरिजिनल ब्राह्मण हैं। मैं इनके मुंह इसलिए नहीं लगता हूँ कि अगर ये जिंदा आदमी का भी श्राद्ध कर दे तो वो आपको दूसरे दिन मरा पड़ा मिले, तो इसलिए मैं इनके ज्यादा मुंह नहीं लगता हूँ, इनके चरण लगता हूँ। और बाबा तुलसीदास ने कहा है कोई भी अच्छा काम करो तो पहले दुष्टों को प्रणाम करो। हाँ, आप ताली बजा सकते हैं जहाँ आपको अच्छा लगे, अभी ताली पे GST नहीं लगा है, है ना? इतना भी मत हंसो कि प्राण निकल जाएं, अगला कार्यक्रम तुम्हारी याद में कराना पड़े। मैं प्रातः स्मरणीय, हाँ सरदार जी बैठ जाओ जी। एक सरदार बड़ी मुश्किल से बिठाया 10 साल में हमने, ये तुरंत बैठ गए। एक सरदार को तो इसने आगरा में घर बिठा दिया, कवि है बहुत अच्छा, प्रताप फौजदार। उसने एक दिन केवल इससे पूछ लिया, बोले पंडित जी तुम ये चोटी क्यों रखते हो? तो अनिल चौबे ने कहा चोटी नहीं, हमारा एंटीना अखिल ब्रह्मांड से इसको हमको विचार आते। तो सरदार गंभीर हो गया, बोले यार इतनी सी चोटी से इतने विचार आते हैं, मेरे सिर पे तो पूरा माइक्रोवेव टावर रखा हुआ है, मुझे विचार क्यों नहीं आते हैं? तो इस पंडित ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां चाहता हूं। पंडित ने कहा कि सरदार जी विचार तो आपको भी आते हैं लेकिन दाढ़ी के अर्थिंग से धरती में चले जाते हैं। कि दुनिया को परिवार मान कर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। सब पूछते थे नरेंद्र मोदी विदेश क्यों जाते हैं, मिश्रा जी मैंने जवाब लाया हूं। जब चीन ने हमला किया और 128 देश जब नमस्ते सदावत्सले की भूमिका में खड़े थे, मैंने कहा इसलिए जाते हैं। बहुत अच्छा, वाह। अभी ताली नहीं बजाना है, ताली चौथी पंक्ति पर बजाना है। अगर आपके मन तक पहुंच जाए तो अगली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक के लोगों का साथ चाहता हूं। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति जैसे को पटेल मिल गया, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। पटेल क्या है? मैं अवध में खड़ा हूं, कविता की धरती पर अवध में सरदार पटेल का शब्द चित्र बना रहा हूं। शब्द चित्र बन जाए तो उस महामना के पुण्य स्मरण को याद करना जिन्होंने इस देश में पटेल के संस्कारों को स्थापित करने के लिए नींव का पहला पत्थर रखा था। आज उस पर जो मूर्ति खड़ी है, चार पंक्तियां सुनना। कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने, जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो, चार पंक्तियां ऐसी सुना रहा हूं जो आनंद भी आएगा और ताली भी बजेगी।
कि दूध जी ने भाता नहीं चाय रास आती नहीं छाँस दही लस्सी और पिए कॉफी है पेट जिनका खराब वेट भी हो लाजवाब योग प्राणायाम करें और दवा साफी है ओ बिना तोले मोले बोल देश का बड़ा ते घोल बड़े बोले नेताओं का ब्रह्म अस्त्र माफी है और गांधी बाबा तेरी पूंजी नष्ट करने के लिए मोदी मफलर नहीं राहुल गांधी काफी है गांधी बाबा तेरी